that's at the desk. Do you know what? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल. सभी लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? आई होप सो. माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल. चलिए तो लेट्स बी स्टार्ट करते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये 12वां दिन. मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है गेम एकेडमी में. मैं अंकित जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. और एसएससी जेई के धागे खोलने के लिए ये सीरीज हमेशा से ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है. ये मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर मैं आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इस 12वें दिन पर मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला रहूंगा, इट इज बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन. मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बेटा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला रहूंगा. और ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज भी है आप सभी के लिए. ये बात हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से समझते हैं. Am I right? सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और सभी लोग अच्छे तरीके से समझते हैं. इसलिए हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल आइए, इसको ज्वाइन कीजिए. आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ट्रस्ट मी. ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी अगर आपने लगा लिए तो एक प्रकार से अगर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आपका बेसिक तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका होगा. ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन भी आपने लगा लिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, वो क्वेश्चन यानी कि वो क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हो तो आपका बेसिक तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको नकारा नहीं जा सकता. आज लगभग 1000 क्वेश्चन सीरीज की अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो लगभग 700 क्वेश्चन को प्लस हम लोग डील कर चुके हैं. और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के मैं आपके सामने कम से कम 150 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूंगा. तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना. और आपको मालूम है बीएमसी का अपना एक अलग वेटेज है इस पूरे एग्जाम में, इस एसएससी जेई में, तो सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ भी पा रहे हैं. चलिए तो लेट्स बी स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आप सब लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है. मैं आपके सामने स्ट्रक्चर, हमें आपके सामने हाईवे इंजीनियरिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी अपन लगा चुके हैं. स्टील के क्वेश्चन की सीरीज कली हुई थी. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन गौरव बाबू सर लगवा चुके हैं. आरसीसी के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन गौरव सर आपके सामने लाएंगे. इसके बाद सर्विंग के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ. अब अगला जो लेक्चर है वो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का है और ये लेक्चर जो है वो बिल्डिंग मटेरियल का है. इस बात को सभी बच्चे अच्छे से याद रखें. इसके साथ ही नॉलेज का पिटारा आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये गेम की तरफ से आप लोगों के लिए मिल रहा है. और आप लोगों को एक हाइपर लिंक दी है http://bit.ly/gamelive. तो आपको गेम लाइव ऐप इंस्टॉल जैसे ही आप करेंगे तो आप लोगों के लिए नॉलेज का पिटारा नाम का एक इस तरीके से खुलेगा. इसमें सभी पीडीएफ जितने भी सेशन अभी हमारे हुए हैं वो सभी सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. जैसे कि अगर मैं आपके सामने महामैराथन रिवीजन सीरीज के बारे में बात करूं जो हम लोगों ने ली थी, जैसे अपन ने हाईवे के लिए थे तो हाईवे का पूरा आपको पता है, आरसीसी का लिया था तो इसमें आपको पूरे आरसीसी के नोट्स हैं. इसी तरीके से सर ने जब लिया था यानी गौरव बाबू सर ने जब आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लिया था तो उनके भी पूरे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं. तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोगों के लिए गेम लाइव ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा. यू आर इंस्टॉल गेम लाइव ऐप. आपको गेम लाइव ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है ना, फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगी. इसमें फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, स्ट्रेटजी वीडियोस आप लोगों के लिए मिलेंगे, फ्री प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए मिलेगी और पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट क्वेश्चन हियर. मैं पहले क्वेश्चन के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन. तो हमें सभी को मालूम है कि हमारे अर्थ, हमारी जो ब्रिक बनती है, हमारा जो ब्रिक बनेगा तो ब्रिक जिस भी क्ले से बनता है, जिस भी सॉइल से बनता है, उस सॉइल में एल्यूमिना का परसेंट होता है. तो अगर मैं आपके सामने एल्यूमिना की बात करता हूं तो एल्यूमिना का कितना परसेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा. द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का परसेंट रहता है लगभग 20% से लेकर 30% तक. इट इज लाइज इन बिटवीन 20% to 30%. ये 20% से लेकर 30% तक लाई करेगा. यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. इसका बी ऑप्शन हमें करेक्ट होता हुआ समझ में आएगा. समझ में आ रहा है? तो 20% to 30% तक ये लाई कर सकता है. इस बात को सभी बच्चे अच्छे से याद रखें.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रेक। अगर मैं गुड ब्रेक में क्ले एंड सिल्ट कंटेंट की बात करता हूँ तो अगेन मैं बात करता हूँ तो ये हमारा वेरी तो करता है लगभग 20-30%, लेकिन हमारे पास लोअर लिमिट ही गिवन है तो इसलिए मैंने 20% आपके सामने ऑप्शन लिखा है। इट इज अ क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रेक। किसी भी गुड ब्रेक में जो क्ले का कंटेंट और सिल्ट का कंटेंट होता है इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 20%, ये लगभग हमारे पास 20% के समथिंग होगा, इस बात को सभी बच्चे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेंड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो बेटा हमारे ब्रिक्स में जो रेड कलर आता है आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअल में रेड नहीं होता, वो रेड ब्राउन कलर होता है, रेड वाइन कलर हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम आपके सामने अगर रेड कलर के बारे में बात करते हैं, लाल रंग हमारे ब्रिक्स में क्यों आता है, तो हमारे ब्रिक्स में जो रेड कलर आता है वो रेड कलर आने का एक ही कारण है क्योंकि वहां पर अच्छा मैग्नीशिया के कारण भी आता है, ये बात बिल्कुल सही है कि सम अमाउंट ऑफ मैग्नीज इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रिक क्ले, तो उसमें मैग्नीज के कारण भी थोड़ा बहुत रेड कलर आता है, लेकिन रेड कलर आने का जो मेन हमारे पास कंपोनेंट है इट इज आयरन ऑक्साइड। आप सभी को पता होगा दिस इज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट, ये मेन कंपोनेंट होता है जिस कारण से हमारे ब्रिक्स में रेड कलर हमारे लिए दिखाई देता है। सो दिस इज फॉर आयरन ऑक्साइड, इसको हमने आपके सामने आयरन ऑक्साइड नाम दे दिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले। अगर हमारे क्ले में सिलिका का एक्सेस हो जाता है, सिलिका का बहुत ज्यादा वैल्यू यानी बहुत ज्यादा सिलिका अगर हमारे पास आ जाए, तो अगर मान लीजिए सिलिका का कंटेंट अभी हमने बताया आप लोगों के लिए, एक्चुअल में सिलिका का कंटेंट लगभग 50-60% तक मे बी वेरिएबल, ये वेरिएबल कर सकता है, जैसे अभी हमने जो देखा था ये एल्यूमिनिया का देखा 20-30%, इसी तरीके सिलिका का कंटेंट 50-60% तक वेरी कर सकता है। अगर ये और ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा हमारे ब्रिक्स के लिए, मेक द ब्रिक ब्रिटल, ये हमारे ब्रिक्स के लिए ब्रिटल बना देगा और हमारे ब्रिक के लिए ये वीक बना देगा, इस बात को याद रखिए। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड मेक्स द ब्रिक वीक ऑल्सो, ये ब्रिक को वीक बना देता है बेटा और ये वीक को और ये ब्रिक को ब्रिटल बना देता है, इस बात को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना। तो भैया एल्यूमिना अभी हमने देखा एल्यूमिना का परसेंटेज इट इज 20-30%, ये तो बार बार बताने की बात है नहीं। तो अगर मैं गुड ब्रिक की बात करता हूँ तो गुड ब्रिक में जो एल्यूमिना का परसेंट होगा, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना, जो एल्यूमिना के परसेंट के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे, सो द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इज 20-30%, ये 20% से लेकर 30% तक हमारे सामने वेरी करेगा, सही बात है ना। तो इट इज वेरी फ्रॉम 20-30%, ये 20% से लेकर 30% तक हमारे सामने वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिज मेकिंग द ब्रिक, ठीक है ना। क्या हमने आपके सामने बोला कौन सा क्ले इसमें से बेस्ट है, कौन सा सॉइल बेस्ट है अच्छी ब्रिक बनाने के लिए। तो हम सभी को मालूम है जो वेदर्ड क्ले होता है, ठीक है ना, वेदर्ड क्ले ब्रिक बनाने के लिए बेस्ट माना जाता है। और वेदर्ड क्ले ब्रिक बनाने के लिए बेस्ट क्यों है, तो वेदर्ड क्ले ब्रिक बनाने के लिए बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि हम सभी लोगों को पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोहेसिव फोर्स पाया जाता है। समझ में आ रहा है, प्रॉपर कोहेसिव फोर्स पाया जाता है, तो कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बेटा। और जैसे ही ब्रिक पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, नो डाउट इसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वेदर्ड क्ले इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो वेदर्ड क्ले होगा। समझ में आ रहा है, सो वेदर्ड क्ले इज द करेक्ट आंसर, वेदर्ड क्ले इसका करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। अरे यार ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। तो अगर मैं आपके सामने टेम्परिंग की बात करता हूं, If I will talk about tempering, तो tempering is the process. तो tempering कौन सी process होती है? तो tempering कहाँ पर use की जाती है? Brick को जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें tempering करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? Brick को जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करनी पड़ती है? वहाँ पर हमें tempering करनी पड़ती है। इस बात को याद रखिए। To making a brick, brick को बनाते time हमें tempering process का use करना पड़ेगा। ये बात सभी बच्चे भली भांति अच्छे से समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा, अच्छे तरीके से सुनना बेटा, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, क्या मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, बहुत ध्यान से सुने और समझें। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हॉफमैन्स किल्न ड्यूरिंग। तो भैया जो हॉफमैन किल्न होता है, अरे जहां पर भी किल्न नाम आ जाए, मैंने आपके लिए क्लास में भी बताया था ये बात, जो हमारे पास हॉफमैन्स किल्न है
तो हॉफमैन्स किल्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जनरली यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका जनरली यूज ब्रिक को गर्म करने में किया जाता है, यानी ब्रिक को बनाने में किया जाता है, कहने का मतलब। तो ब्रिक को प्रिपेयर्ड करने में, ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज किया जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्न्ड इन द हॉफन मैन्स किल्न? तो हॉफमैन्स किल्न जो होता है इसका यूज ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, ये बात हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ बच्चों, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक, अगर मुझे ब्रिक को चेक करना है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन? तो बेटा चेकिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक, ब्रिक को चेक करने के लिए हमें कम से कम 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स का तो यूज करना पड़ेगा, कम से कम 20 ब्रिक्स तो हमें लेनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं बोलता, इंडियन स्टैंडर्ड का एक क्लॉज बोलता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड का एक क्लॉज बोलता है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज द वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो यार ये तो बनी बात है, जो वाटर एब्जॉर्बेशन है कभी भी बेटा किसी भी केस में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काय का 15% ऑफ ड्राई वेट के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। शुड नेवर बी ग्रेटर देन, कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए 15% ऑफ ड्राई वेट, इसका जो भी ड्राई वेट होगा उसके ड्राई वेट के 15% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। शुड नेवर बी ग्रेटर देन 15% ऑफ ड्राई वेट के 15% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी इसका नहीं हो, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखें और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बेटा। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हुज स्टूडेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर SSC JEE एंड ऑल स्टेट AE एग्जाम्स, जो भी बच्चे SSC JEE एंड ऑल स्टेट AE एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक्सलेंस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, समझ रहे हो। और जो एक्सलेंस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इस एक्सलेंस कोर्स को लगभग अगस्त में 14th of August से स्टार्ट किया गया था, लेकिन आपको मैं बता दूं मैंने इसमें पढ़ाना स्टार्ट किया है 15th of September से, और 15th of September से अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था उस सब्जेक्ट का नाम है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट हाईवे के बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा दिस इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मैं आपके सामने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को कंटेंट का कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको वन शॉट पेमेंट करना है तो 9999 में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और 11999 आपको 4 EMI में ये मिलेगा, समझ में आ रहा है। और आपको गूगल प्ले पर जाना है और गूगल प्ले पर जाकर गेम लाइव ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है गूगल प्ले, और गूगल प्ले पर आपको गेम लाइव ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जैसे ही गेम लाइव ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको फ्री PDFs प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, फ्री टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटजी वीडियोस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको लगेगा वो सब लोग सब कुछ। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में बात करते हैं तो इन केस ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम स्ट्रेंथ हमारे पास होता है 70 kg/cm². ये कम से कम मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो इफ आई विल टॉक अबाउट मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, अच्छा कोई मुझे कमेंट करके बताएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? तो मैंने आपके सामने बोला मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर सेकंड क्लास ब्रिक, अगर हम मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं फॉर सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में, इफ आई विल टॉक अबाउट मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर सेकंड क्लास ब्रिक, तो शुड नेवर बी लेस देन, कभी भी लेस नहीं होना चाहिए कितने से, तो कभी भी लेस नहीं होना चाहिए बेटा 70 kg/cm² से। अगर ये फर्स्ट क्लास होता तो फिर इसका आंसर लगभग 100 kg/cm² से कम नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल में सेकंड क्लास है इसलिए 70 kg/cm² से कम इसका स्ट्रेंथ परमिट नहीं है, इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज, भैया देखो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक बोला है तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर मॉड्यूलर नाम आ जाए तो इसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो अगर हम आपके सामने मॉड्यूलर ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात करते हैं द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो हम सभी लोगों को पता है दिस इज फॉर 9 cm, ये 9 cm का होगा, दिस इज फॉर 9 cm, और ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर का होता है, इट इज बिकम इक्वल टू 19 cm, तो 9 9 19
इट इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इट इज द स्टैंडर्ड साइज, ये स्टैंडर्ड साइज है मॉड्यूलर ब्रिक का, मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज इज 9919 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, हमने आपके सामने बोला नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, अगर हम नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, अरे बेटा अगर 1 क्यूबिक मीटर की बात करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड है, क्या 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आती थी क्या, अरे बोलो मॉड्यूलर ब्रिक 500 आती थी क्या कि 550 आती थी, जल्दी से आंसर दो, 550 इज द करेक्ट आंसर होगा कि 500 इज द करेक्ट आंसर, कितनी मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड रहेंगी, 500 इज द करेक्ट आंसर और 550 इज द करेक्ट आंसर, प्लीज गिव मी आंसर प्रॉपरली, जल्दी बताएं। तो भैया मॉड्यूलर ब्रिक की बात हो रही है, अगर मॉड्यूलर ब्रिक की बात हो रही है तो 550 ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर में आ जाएंगी, समझ में आ रहा है, 550 ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर में आ जाएंगी मॉड्यूलर, यानी कोई हम मोर्टार वगैरह की बात नहीं कर रहा है, विथ मोर्टार अगर बात करते तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर में एक्ट लाई करता, आर यू गेट माई पॉइंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द टर्म फ्रॉग मीन्स, भैया हम सभी ने देखा होगा ब्रिक के ऊपर फ्रॉग बना रहता है, देखा है क्या सभी ने, जल्दी से बताइए यस और नो, तो हमने आपके सामने ब्रिक के बारे में बात किया, इफ आई विल कंसीडरिंग अ ब्रिक हियर, अगर मैं आपके सामने ब्रिक की बात करता हूँ तो ब्रिक के ऊपर क्या बना रहेगा, तो ब्रिक के ऊपर बना रहता है बेटा फ्रॉग, ब्रिक के ऊपर बना रहता है फ्रॉग, तो फ्रॉग कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम आपके सामने बनाने की कोशिश करेंगे, दिस इज अ फ्रॉग, ये फ्रॉग कहलाता है, तो फ्रॉग क्या होता है, अ डिप्रेशन ऑन अ फेस ऑफ द ब्रिक, एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, लगभग इसका डिप्रेशन 1 इंच के समथिंग होता है, 25.4 mm के समथिंग इसका डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, और डिप्रेशन इसका मेन कंसेप्ट जो यानी कि मेन इसको बनाया क्यों जाता है, ताकि इट्स बिहेव लाइक अ शेयर की, ये शेयर की तरीके से बिहेव करता है, एक ब्रिक लेयर का दूसरे ब्रिक लेयर से अच्छे तरीके से बॉन्ड क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं इसको बनाता हूँ, सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, अगर हम वेयर हाउस बनाएंगे तो आइडियल वेयर हाउस में वाटर प्रूफ मैसनरी वॉल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ताकि हम उसके अंदर जो भी सामान रखें जो भी अनाज रखें वो खराब ना हो, वाटर प्रूफ रूफ होनी चाहिए, सही बात है, ऐसा ना हो कि रात में पानी गिरा सुबह तक पूरी फसल खराब, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए बेटा, तो वाटर प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद विंडोज, फ्यू विंडोज विच रिमेन जनरली क्लोज, कुछ विंडोज होनी चाहिए जो जनरली क्लोज होनी चाहिए, तो यानी कि सभी टुक्का इज करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाले रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस तरीके से सॉल्व होगा, गिव मी आंसर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाउ टू सॉल्व इट, मैं किस तरीके से आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनल साइज इन मॉड्यूलर ब्रिक, तो भैया अगर मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था, वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए 9919, है ना, 9919 सेंटीमीटर ना, यानी 90 mm by 90 mm by 190 mm, लेकिन कोई बात नहीं, इसने इसमें यहाँ पर नॉमिनल साइज पूछा है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड साइज, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसने नॉमिनल साइज पूछा है, अगर स्टैंडर्ड पूछता तो 90 90 190 होता, लेकिन इसने बेटा नॉमिनल साइज पूछा है, तो नॉमिनल साइज इसका होता है 10 10 20, सही बात है ना, 10 10 20 इज द करेक्ट, यानी कि 200 × 10 × 10 इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर अ क्यूबिक मीटर, तो भैया क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी, तो हम सभी लोगों को पता है एक्चुअल में ब्रिक वॉल की बात हो रही है, यानी वहां पर मोर्टार इनबिल्डेड होगा, और अगर मोर्टार इनबिल्डेड होगा बेटा तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स यहां पर आ सकती है, इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, व्हाट इज द थिकनेस इज इन सेंटीमीटर ऑफ टू ब्रिक्स वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, जल्दी से बताइए, अगर मैं आपके सामने कभी भी टू ब्रिक वॉल बनाता हूँ, अभी हम सिंगल ब्रिक वॉल की बात नहीं कर रहे थे, हम आपसे बोल रहे हैं अगर मैं टू ब्रिक वॉल बनाऊंगा तो आप मुझे बता सकते हैं टू ब्रिक वॉल के केस में, अगर हम टू ब्रिक वॉल की बात करें, कितने ब्रिक वॉल, टू ब्रिक वॉल, तो टू ब्रिक वॉल के केस में देखो मैं आपके सामने बताता हूँ, अच्छे तरीके से सुनना, टू ब्रिक वॉल या टू ब्रिक वॉल के केस में एक ब्रिक वॉल यानी कि ये वाला, तो ये हमारे पास एक ब्रिक वॉल हो गया 20 सेंटीमीटर,
अब टू ब्रिक वॉल अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा इन केस ऑफ टू ब्रिक वॉल? अगर हम टू ब्रिक वॉल की बात करेंगे सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बेटा 40 सेंटीमीटर होगा। किस बात को सभी बच्चे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द थिकनेस इंच ऑफ वन ब्रिक वॉल? अरे भैया वन ब्रिक वॉल यानी कि कितने सेंटीमीटर? वन ब्रिक वॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में लगभग कितना इंच होता है? तो 20 सेंटीमीटर लगभग की 8 इंच होता है, लेकिन हम उससे प्लास्टरिंग वगैरह करेंगे तो लगभग ये 9 इंच की वॉल बन जाती है। तो 9 इंच इज द करेक्ट आंसर। 9 इंच की, हम कहते हैं ना 9 इंच की दीवार खड़ी करनी है, 9 इंच की दीवार खड़ी करनी है, इसका मतलब हम टू ब्रिक वॉल के बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वॉटर एब्सॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स, जल्दी बताइए। वॉटर एब्सॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल, अगर मैं रूफ टाइल के बारे में बात करता हूं तो रूफ टाइल का वॉटर एब्सॉर्प्शन जो लगभग होता है इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 15% to 25%, 15% से लेकर 25% तक हो सकता है बेटा रूफ टाइल का, लेकिन ठीक है हमारे लिए ऑप्शन दिया है 14% to 19%, तो सी टुक्का हम आपके सामने यहाँ पर करेक्ट मार देंगे। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जेईई 2023 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी जो भी परचेस करना चाहता है इट इज 799 रुपीज में परचेस कर सकता है। इसके बेनिफिट ये हैं कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे बच्चों, और क्वालिटी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर आपको मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एक्सपीरियंस आपको दे दिया जाएगा, इसी तरीके से वेल मेंटेन्ड सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, और अफोर्डेबल प्राइस तो है ही, लेकिन याद रखना जैसे लेक्चर के लिए गेम लाइव ऐप इंस्टॉल किया था इसीलिए इसी तरीके से टेस्ट के लिए गेम एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपने लेक्चर्स के लिए गेम लाइव इंस्टॉल किया था, गेम लाइव ऐप इंस्टॉल किया था, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ काय के बारे में, तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में तो आपको गेम एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस बात को बच्चे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर फर्स्ट क्लास ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन, तो भैया फर्स्ट क्लास ब्रेक का वैसे तो कितना होता है द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 105 आंसर नहीं है तो लगभग हम टुक्का मार देंगे 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, समझ रहे हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ आंसर इज बिकम इक्वल टू 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास वन ब्रेक, अगर हम क्लास वन ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो क्लास वन ब्रेक का वॉटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 28 आवर्स ऑफ इमर्जिंग अ वॉटर शुड नॉट एक्सीड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सेल वेट, अपने सेल वेट के कितने प्रतिशत से ज्यादा वॉटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक का? एनीबडी एल्स जल्दी से बताइएगा कितने परसेंट से ज्यादा वॉटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक का, प्लीज गिव मी आंसर। बेटा वैसे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 15 तो नहीं है हमारे पास, इसलिए टुक्का में हमने क्या मार दिया 18% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, तो बेटा जो किंग क्लोजर होता है ना तो वो विंडो से रिलेट करता है, ना तो वो ट्रस से रिलेट करता है, ना वो क्वीन पोस्ट ट्रस से रिलेट करता है, इट इज रिलेटेड टू ब्रिक मशीनरी, ये ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड का टर्म्स है, सही बात है ना। इट इज रिलेटेड टू ब्रिक मैसनरी, जो किंग क्लोजर होता है, किंग क्लोजर इज रिलेटेड टू ब्रिक मैसनरी, ये ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड टर्म्स है, ये बात हम सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ लेंथ इज कॉल्ड, जल्दी बताइएगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाफ विड्थ एंड हाफ लेंथ इज कॉल्ड, क्या मैं इसको किंग क्लोजर बोलता हूँ क्या, इट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर, क्या मैंने इसको किंग क्लोजर नाम दिया है, बिल्कुल सही बात है, सो इट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर, मैं आपके सामने इसको किंग क्लोजर का नाम देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर। चलिए आगे चलते हैं, वेन अ ब्रिक इज कट इन टू टू हेल्व्स लॉन्गिट्यूडनली, अगर मान लीजिए हम अपने ब्रिक्स को, ये हमारा ब्रिक है, अच्छे तरीके सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने,
मैंने आपके सामने बोला सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ ब्रेक हेयर, मैं आपके सामने यहाँ पर एक ब्रेक को कंसीडर कर रहा हूँ। अब हमने जो भी ब्रेक यहाँ पर कंसीडर किया, सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ ब्रेक लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास एक ब्रेक है, और जब हम ब्रेक के बारे में बात करते हैं और ब्रेक को हमने क्या किया, ब्रेक को हमने इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से दो पार्ट में काट दिया। तो इस तरीके से जब लॉन्गिट्यूडनली हम दो पार्ट में काटेंगे तो इट इज कॉल्ड एज क्वीन क्लोजर ना, इसको हम आपके सामने क्वीन क्लोजर ही तो बोलते थे, दिस इज नोन एज क्वीन क्लोजर, इसको क्वीन क्लोजर बोलेंगे, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमें जो दिख रहा है अब भी बताया मैंने, इट इज कॉल्ड किंग क्लोजर, इसको किंग क्लोजर बोल दिया गया। नेक्स्ट, अ बल नोज ब्रेक इज नॉट यूज, भैया बल नोज ब्रेक जो होता है वो कहां पर यूज नहीं किया जाता, जल्दी बताइए, बल नोज ब्रेक्स इज नॉट यूज फॉर, बल नोज ब्रेक्स का यूज कहां पर हम नहीं करते हैं, तो अ बल नोज ब्रेक इज नॉट यूज फॉर राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर को राउंड करने के लिए बल नोज ब्रेक्स का यूज नहीं किया जाता। बुल नोज ब्रेक्स इज नॉट यूज फॉर, तो बुल नोज ब्रेक्स कभी भी यूज नहीं होता है, बुल नोज ब्रेक को कभी भी यूज नहीं किया जाता है टू राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर को राउंड करने के लिए। इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस एफ्लोरिसेंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी है ना, लेकिन ये बहुत खराब चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। तो अगर हम एफ्लोरिसेंस के बारे में बात करते हैं तो एफ्लोरिसेंस जो है काय के कारण होता है, तो हम सभी लोगों को पता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन अ पेरेंट क्ले। हमारा जो पेरेंट क्ले है, पेरेंट क्ले मतलब जिस क्ले से मैं आपके ब्रिक्स को बना रहा हूँ, जो हमारा पेरेंट क्ले है बेटा, उस पेरेंट क्ले में जो भी सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है उस सॉल्युबल सॉल्ट के कारण एफ्लोरिसेंस हमें देखने को मिलेगा। इस बात को आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, रीफैक्ट्री ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रेजिस्ट। भैया रीफैक्ट्री ब्रिक्स जो होती हैं, आप सभी को पता है ये बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकती हैं, तो टेम्परेचर रेजिस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। जहां पर भी हाई टेम्परेचर आ रहा होगा वहां पर रीफैक्ट्री ब्रिक्स का यूज किया जाएगा, जैसे कि चिमनी हुआ, ठीक है ना, चिमनी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सही बात है ना, तो ये बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हमने आपके सामने लिखा द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इज सूटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, मैंने आपके सामने लिखा द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड क्ले, तो बेटा प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्ड क्ले को कौन कंट्रोल करता है, उसके शेप को कंट्रोल कौन करता है, तो वो है एल्यूमिना, सही बात है ना, एल्यूमिना अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए या फिर एल्यूमिना का डेफिशिएंसी हो जाता है ना, तो वो फिर एक वेल डिफाइंड शेप में हमारा ब्रिक्स नहीं बन पाता, सो इट इज द एल्यूमिना, एल्यूमिना इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बात सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई विल डिस्कस, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बात करेगा, द स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय ब्रिक्स डिपेंड्स ऑन, बेटा तो स्ट्रेंथ ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज से, यानी किस चीज पर डिपेंड करता है, अरे तो ब्रिक का स्ट्रेंथ कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, सही बात है, हम किस तरीके के अर्दन मटेरियल मिला रहे हैं, इसके बाद नेचर ऑफ मोल्डिंग, आपने मोल्डिंग कैसे किया है, आपने किस तरीके से बर्न किया है, किस तरीके से कूल किया है, अरे इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑल दी टुक्का इज करेक्ट, इसके सभी टुक्का यहाँ पर करेक्ट होंगे, सही बात है ना, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पर सभी ऑप्शंस इसके करेक्ट होते हुए हमारे लिए नजर आएंगे, इस बात को सभी बच्चे याद रखें। मैंने आपके सामने बोला एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, अगर हमारा एल्यूमिना का एक्सेस हो जाता है इन अ क्ले, जिस क्ले से हम ब्रिक को बना रहे हैं, और अगर उस क्ले में एल्यूमिना का एक्सेस हो जाता है, यानी एल्यूमिना ज्यादा हो जाता है, अगर एल्यूमिना एक्सेस हो जाता है तो हम सभी लोगों को पता है एक्सेस एल्यूमिना के कारण क्या होगा, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, तो हमारा जो क्ले है वो क्ले को क्या करता है, वो ब्रिक को क्या करेगा, क्ले क्रैक कर देगा, उसमें क्रैक कर देगा और वार्प ऑन ड्राइंग, और वो ड्राइंग कर देता है यानी सुखा देता है, इस बात को आप याद रखें, सही बात है ना, मॉइस्चर कंटेंट को लूज करवा देगा। हमने बोला टू गेट यूनिफॉर्म कलर, अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, इफ आई विल टॉक अबाउट टू गेट यूनिफॉर्म कलर, अगर मैं यूनिफॉर्म कलर लाना चाहता हूँ, इफ आई विल टू टेक अबाउट यूनिफॉर्म कलर, यार अगर मैं यूनिफॉर्म कलर चाहता हूँ, ब्रिक इज बर्न एट अ टेम्परेचर, ब्रिक को किस टेम्परेचर पर बर्न करना चाहिए, तो हमें पता है 900 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस पर इसको बर्न करना बेहद ही आवश्यक है, 9 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री 1100
डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं इसको बर्न करूंगा तो टू गेट यूनिफॉर्म कलर, ये यूनिफॉर्म कलर भी देता है, अच्छा एपीरियंस भी देता है और ये बेस्ट टेम्परेचर भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर मैं आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात करता हूँ, विच मोल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिसाइड, यानी कि प्रैक्टिस्ड, यानी कि जो कौन सा मोल्डिंग ऐसा है जो प्रैक्टिस में जनरली यूज नहीं किया जाता। अरे भैया ग्राउंड मोल्डिंग किया जाता है, टेबल मोल्डिंग किया जाता है, मशीन मोल्डिंग किया जाता है, ऑटोमेटिक मोल्डिंग नहीं किया जाता। ऑटोमेटिक मोल्डिंग क्या, ब्रिक्स को जैसा जानना वैसा थोड़ी ना बनाना है, ऑटोमेटिक मोल्डिंग नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। सही बात है ना, ऑटोमेटिक मोल्डिंग को हम कभी प्रेफर नहीं करते। व्हाई वी डू ऑटोमेटिक मोल्डिंग जब हमारे पास ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग इज प्रेजेंट, देन व्हाई वी आर डूइंग अ ऑटोमेटिक मोल्डिंग, हम कभी ऑटोमेटिक मोल्डिंग नहीं करेंगे। सही बात है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग सॉइल इज गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, कौन सा सॉइल अच्छा है ब्रिक बनाने के लिए, तो सबको पता है सैंड एंड सिल्ट है ना, सैंडी सिल्ट जो होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक, ब्रिक बनाने के लिए ये बेस्ट सॉइल आपके सामने कंसिडर किया जाएगा, इस बात को याद रखें। द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ द मोल्ड ऑफ क्लासबन ब्रिक, भैया क्लासबन ब्रिक में कितना टॉलरेंस अलाउ है, टॉलरेंस का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, क्लास वन ब्रिक में कितना टॉलरेंस अलाउ है, तो टॉलरेंस का क्या मतलब होता है बेटा, तो अगर मैं क्लास वन ब्रिक के बारे में बात करता हूँ कि क्लास वन ब्रिक में कितना टॉलरेंस अलाउ है, यानी कितना एरर अलाउ है, तो हम आपके सामने बता दें जो क्लास वन ब्रिक होगा उस क्लास वन ब्रिक में लगभग जो टॉलरेंस अलाउ होता है इट इज प्लस माइनस 3 mm, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो क्लास वन है, क्लास वन है तो उसका शेप वेल डिफाइन होना चाहिए, इसलिए टॉलरेंस उतना ही कम है। द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज प्लस माइनस 3 mm का टॉलरेंस यहाँ पर परमिट रहेगा, इससे कम यानी कि इससे ज्यादा कुछ परमिट नहीं रहता है, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 mm का टॉलरेंस यहाँ पर परमिट रहेगा। अगर टू क्लास सेकेंड क्लास ब्रिक होती तो प्लस माइनस 6 mm का टॉलरेंस इज बिकम परमिटेड, यहाँ पर प्लस माइनस 6 mm का टॉलरेंस परमिट होता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अ ब्रिक मैसनरी कुड फेल ड्यू टू, ब्रिक मैसनरी काय के कारण फेल हो सकती है, अरे भैया तो रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट, सही बात है, शेयरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सही बात है, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, तो किसी भी एनी ऑफ दीज, कोई भी इसमें से किसी के कारण भी ये फेल हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है, इट इज एनी ऑफ दी, किसी के कारण भी ये फेल हो सकता है। नेक्स्ट, हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ अ, तो हर्टिंग क्या क्या है जल्दी बताइए, हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ द, जल्दी बताइए, व्हाट डू यू मीन अबाउट हर्टिंग, हर्टिंग से आप क्या समझते हो, हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ द, एनीबडी एल्स हु इज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ द, तो अगर मैं हर्टिंग की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट हर्टिंग, तो हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग, फेसिंग और बैकिंग के बीच में जो वॉल बनाई जाती है इट इज कॉल्ड हर्टिंग इन द पोर्शन, ये हर्टिंग कहलाता है उस पोर्शन का, समझ रहे हो आप। अच्छा किसी किसी बुक में इसका आंसर भैया प्लस माइनस 6 mm भी दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, किसी किसी बुक में इसका आंसर प्लस माइनस 6 भी दिया है, एक तो टेस्ट सीरीज भी ऐसी है जिसमें इसका आंसर प्लस माइनस 6 mm दिया है, लेकिन ये डिफाइन होता है सेकंड क्लास ब्रिक के लिए जनरली। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ ब्रिक शुड बी, तो भैया ब्रिक का जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है इट इज बिकम इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 2.5 kg, लगभग 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम के समथिंग एक ब्रिक का वेट हमें देखने को मिलता है, जो एक ईट होती है उस एक ईट का वेट लगभग जो हमें देखने को मिलता है इट इज 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम तक हमें यहाँ पर वेट देखने को मिलेगा, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड मोर्टार इज नोन एज, तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल ब्रिक, जो हॉरिजॉन्टल लेयर होता है मोर्टार का, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक, ब्रिक का हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड मोर्टार, जो मोर्टार पर लेड होता है इज नोन एज पोर्स, इसको मैं आपके सामने कोर्स बोलता हूँ, एम आई राइट, इट इज कॉल्ड एज पोर्स, ये तो हम सभी को पता है ये कोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, तो अगर मैं आपके सामने स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करूंगा तो स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल का स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या है, तो स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है बेटा, इफ आई विल टॉक अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो दैट मींस की हाइट अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर एल इफेक्टिव अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन,
ठीक है ना। तो अगर हम स्लेंडरनेस रेशो के बारे में बात करेंगे तो स्लेंडरनेस रेशो किसी भी चीज का शुड नेवर बी ग्रेटर देन, यानी कि किसी भी चीज मतलब कि किसी भी वॉल का शुड नेवर बी ग्रेटर देन 30, कभी भी इसका वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात सभी बच्चे याद रखें। नेक्स्ट, एक्सपेंशन जॉइंट इन अ मेसनरी वॉल। अगर हम मेसनरी वॉल की बात करते हैं, मेसनरी वॉल का जो एक्सपेंशन जॉइंट है आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन 40 मीटर, अगर वॉल का लेंथ 40 मीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। ऐसा मैं नहीं बोलता, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं IS के हिसाब से ये बातें आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो भैया ये तो हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं, इसको डिस्कस करने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मैंने आपसे बोला एफ्लोरिसेंस, तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस, कुछ व्हाइट व्हाइट धब्बे आ जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के सर्फेस के ऊपर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है इन द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसका ए ही टुक्का करेक्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ बच्चों, सही बात है, ए ही टुक्का इसका करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इज यूज, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज कहाँ किया जाता है, अरे वहां किया जाता है जहां पर क्या है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर में हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करेंगे। अब भैया अगर हाई टेम्परेचर में हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करने वाले हैं तो भैया सही बात है ना, कंबसन चैम्बर जो होगा, कंबसन चैम्बर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर रजिस्ट करने के लिए फिर हम ये वाला यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखिए। भैया हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज, हॉलो ब्रिक को यूज क्यों किया जाता है, तो हॉलो ब्रिक को यूज इसलिए किया जाता है प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, ये हीट के अगेंस्ट तो इंसुलेशन देता ही है, लेकिन साथ में याद रखना इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के अगेंस्ट भी हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा बच्चों, ये भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखें, समझने की कोशिश करें, क्लियर है। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है इसके अंतर्गत। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था वाटर एब्जॉर्बेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर वन क्ले, तो वन क्ले का वाटर एब्जॉर्बेशन भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हम सभी लोग समझते हैं। द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर वन क्ले, अगर हम वन क्ले का वाटर एब्जॉर्बेशन की बात करते हैं तो वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर वन क्ले इज इन 15%, 15% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्बेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बोला व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ब्रिक्स अर्थ, अगर गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ चाहिए, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि भैया सिलिका का परसेंट 50 से 60% तक वेरी करेगा बेटा। इफ आई विल टॉक अबाउट परसेंटेज ऑफ सिलिका, तो सिलिका परसेंट इज वेरी फ्रॉम 50% to 60%, ये 50% से लेकर 60% तक वेरी करता है इन केस ऑफ गुड ब्रिक्स, अगर मैं गुड ब्रिक चाहता हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विथ द पाउडर नेचुरल सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, 48 का आंसर कौन बच्चा बताएगा ये मुझे बता दीजिएगा, हुज स्टूडेंट विच गिव मी आंसर ऑफ 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विद द पाउडर्ड नेचर सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, प्लीज गिव मी आंसर प्रॉपरली। इसका आंसर क्या होगा, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, इट इज कॉल्ड पगिंग ना, इसको हम पगिंग बोलते थे, इट इज कॉल्ड पगिंग, ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज पगिंग, इसको हम पगिंग बोलते हैं बेटा, इस बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द ओवरग्राउंड कॉन्टिन्यूस किल्न, तो भैया ओवरग्राउंड कॉन्टिन्यूस किल्न जो होती है, इट इज कॉल्ड, जो ओवरग्राउंड कॉन्टिन्यूस किल्न है, इट इज कॉल्ड टनल किल्न, इसको हम टनल किल्न के नाम से जानते हैं, इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिक मेसनरी में द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक जनरली केप्ट ऑन, तो हमें फ्रॉग जनरली जो होता है, भैया हमने अभी बताया था जो फ्रॉग होगा वो किस सरफेस के ऊपर होगा, तो हम जो फ्रॉग की बात करते हैं वो फ्रॉग एक प्रकार से टॉप सरफेस पर पाया जाता है बेटा, इस बात को याद रखिए, जनरली फ्रॉग इज केप्ट ऑन टॉप सरफेस, जो फ्रॉग हमारे पास होगा वो एक प्रकार से टॉप सरफेस पर पाया जाएगा, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिडन मेसनरी, हिडन मेसनरी का मतलब क्या होता है, प्लिंथ के नीचे, है ना, बिलो प्लिंथ, तो हमने आपके सामने हिडन मेसनरी की बात की,
हिडन मैसनरी का मतलब होता है बिलो प्लिंथ, यानी प्लिंथ के नीचे स्टेबिलिटी के लिए कुछ ब्रिक्स यूज की जाती हैं। तो जो हिडन मैसनरी होती है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज करना जरूरी नहीं है, यू कैन यूज सेकेंड क्लास ब्रिक, आप इसमें सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें, यू कैन यूज सेकेंड क्लास ब्रिक, आप इसको सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोला शॉलन स्ट्रक्चर एंड व्हाइट ब्लॉचेस विल बी फाउंड इन ब्रिक्स व्हेन इज प्रेजेंट इन क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो बेटा जो भी हम शॉलन स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंड व्हाइट ब्लॉचेस की बात करते हैं विल बी फाउंड इन ब्रिक, ये हम ब्रिक में फाइंड करते हैं क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है सल्फर, सल्फर के कारण ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन इट, इसमें सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मैंने आपके सामने बोला बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स कंसिस्ट, तो भैया जो बेसिकली रिफैक्ट्री ब्रिक्स होती हैं, रिफैक्ट्री ब्रिक्स का यूज जनरली हमने आपके सामने पहले ही बोला हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए जो बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स का यूज किया जाता है, इन केस ऑफ बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक्स में जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर रजिस्ट करने का कैपेसिटी होता है और उसमें मिलाया जाता है मैग्नीशिया। आप याद रखिए मैग्नीशिया ब्रिक्स हम उसको बोल सकते हैं, यानी इसमें मैग्नीशिया इम्पार्ट होता है बहुत हायर अमाउंट में। नेक्स्ट हॉलो ब्रिक्स, तो हॉलो ब्रिक्स हमने आपके सामने बोला साउंड प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है, अब बन बाय नो डाउट हॉलो होता है तो उसका वेट स्टैंडर्ड ब्रिक्स के कंपैरिजन में कम तो होता है, यानी कि ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके सभी टुकड़ा करेक्ट होंगे। इस बात को आप याद रखना बेटा, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके सभी ऑप्शन हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फायर ब्रिक्स बनाई जाती है, तो भैया फायर ब्रिक्स, तो नो डाउट फायर क्ले का यूज किया जाएगा इसमें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फायर ब्रिक्स होती है, फायर ब्रिक्स आर मेड ऑफ, जो फायर ब्रिक्स होगा वो फायर ब्रिक्स फायर क्ले में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हमने आपसे बोला ये जियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, केमिकली मार्बल को क्या बोला जाता है, तो केमिकली मार्बल एक प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक है, ये बात हम सभी लोगों को पता है। तो केमिकली मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये मार्बल जो होगा वो एक प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक होगा, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, केमिकली मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, केमिकली जो मार्बल होता है, मार्बल एक प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक है, इस बात को आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखें और सुनने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे आपके सामने, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर, तो ग्रेनाइट का नेचर कैसा होता है, तो ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर इज इग्नियस, इसका इग्नियस रॉक का नेचर होता है, इग्नियस रॉक से ग्रेनाइट वहां पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वार्टाइज एंड मार्बल आर बाय नेचर, तो क्वार्टाइज है एंड मार्बल है, आर बाय नेचर, ये किस नेचर के होते हैं, तो हम सभी लोगों ने अभी पढ़ा है इट इज मेटामॉर्फिक रॉक के ही नेचर का होगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द आर्जिलेशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कंसिस्ट एज, तो जो आर्जिलेशियस रॉक होती है हैव देयर प्रिंसिपल कंसिस्ट एज, तो इसका जो प्रिंसिपल कंसिस्ट है ना लाइम के लिए कुछ नहीं है, इट इज नन ऑफ दीज, इसमें से नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपके सामने बात करेंगे, तो भैया फोलिएटेड रॉक कुछ नहीं होता, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कुछ नहीं होता, स्ट्रेटिफाइड रॉक कुछ नहीं होता, सिलिसियस रॉक, यस सिलिसियस रॉक यानी कि प्रेजेंट सिलिका फॉर हायर अमाउंट, तो सिलिसियस रॉक इज द क्लासिफिकेशन, ये केमिकल क्लासिफिकेशन होता है किसी भी रॉक का, इस बात को आप याद रखें। तो ये 60 क्वेश्चन मुझे आप, कल भी आपके पास एक सेशन है उसमें लगभग 80 क्वेश्चन यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन के समथिंग मैं आपके लिए बीएमसी में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला एक्सलेंस कोर्स जो भी बच्चा खरीदना चाहे एई जेई के लिए वो परचेस कर सकता है, सिविल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना।
अगर मैं आपके सामने रुपीज की बात करूं, 9999 रुपीज में आपको ये परचेस करना पड़ेगा, और आप 11999 रुपीज में अगर मैं आपके सामने बोलूं तो 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट पर आप परचेस कर सकते हो। वन शॉट पेमेंट अगर आपको करना है तो 9999 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए गेम लाइव ऐप इंस्टॉल करना है, लेक्चर्स के लिए, फ्री पीडीएफ्स के लिए। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। आप गेम के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जीबी लायंस। इसके साथ एक और टेलीग्राम ग्रुप ईआर अंकित सर बाय गेम नाम से है, आप उसको भी यानी कि ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों के लिए फेसबुक पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो इसको इंस्टाग्राम पर, आप फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पर, सही बात है ना। इसके साथ ही अगर आपको एडमिशन रिलेटेड क्वारी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चों, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल क्वारीज है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, और अगर आपको अदर क्वारीज है तो यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर नंबर, आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाईवे इंजीनियरिंग अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ एक्सीलेंस कोर्स के अंदर, और ये लगभग 15 लेक्चर इसके हो चुके हैं, ठीक है ना, 15 नंबर ऑफ लेक्चर हो चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको गौरव सर पढ़ा रहे हैं, सर के भी लगभग 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। और इसके बाद हाईवे के बाद, हाईवे भी 15-16 तारीख को खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला रहूंगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। मैं आपके सामने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बात करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टेंट के मजे ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच टुडे क्लास, थैंक्स दिस वंडरफुल सेशन, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, थैंक यू।